क्या आपके पास Amazon का फायर टीवी स्टिक है लेकिन टीवी से कनेक्ट करने के बाद चालू नहीं हो रहा है? तो इस वीडियो में मैं कुछ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, पूरा देख लेना। सकाई पीपल, तो यार PS4 Pro का गिव अवे चल रहा है। ऊपर जो लिंक दिख रहा है आपको उसे क्लिक करो और वीडियो को पूरा देख लेना, और जो भी इंस्ट्रक्शन बताए उसे फॉलो कर देना। तो आप देख रहे हो टेक्नोपार्क रॉबिन के साथ, तो लेट्स बिगिन। तो यार जब मैंने Amazon का फायर टीवी स्टिक ऑर्डर किया तो सोचा सारे OTT प्लेटफॉर्म सब कुछ मैं टीवी में देखता हूँ तो एकदम मजा आएगा बड़े स्क्रीन में देखने में। मोबाइल में देखते रहता हूँ थोड़ा बोर होता, तो सोचा टीवी में देख लेते, इसलिए मैंने Amazon का फायर टीवी स्टिक ऑर्डर किया। लेकिन जब भी मैंने इसे टीवी पे लगाया ये चालू ही नहीं हो रहा है, टीवी से रीड ही नहीं कर रहा था। तो रीड नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कुछ कंपैटिबिलिटी का इशू होगा, तो मैंने 10 बार इसे निकाला लगाया तभी भी ये चालू नहीं हो रहा था। तब मैंने सोचा शायद ये थोड़ा पुराना टीवी है, इसकी वजह से शायद कंपैटिबिलिटी का इशू, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2010 का सैमसंग का मॉडल है इसलिए शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने HDMI मेल टू फीमेल 2.0 एक्सटेंशन केबल का ऑर्डर किया। तो ये है वो केबल, तो इसका ये पार्ट जो है ये आपको कनेक्ट करना है आपके फायर स्टिक के साथ, और ये जो पार्ट है ये आपको कनेक्ट करना है टीवी के साथ। तो ये टीवी के पीछे जो HDMI पोर्ट है उस पर आपको ये कनेक्ट करना है। तो ज़्यादा झमेला नहीं है, आपको बस टीवी के पीछे एक HDMI पोर्ट होना चाहिए, बस उतना देख लेना। HDMI पोर्ट रहेगा तो आप बिंदास फायर टीवी स्टिक ऑर्डर कर सकते हो और अपने टीवी में सारे OTT प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो। तो उसके बाद आपको केबल लेना है, केबल लगाना है पहले फायर स्टिक पे। फायर स्टिक पे लगाने के बाद आपको टीवी के पीछे ये जो HDMI पोर्ट है वहाँ पे दूसरा केबल लगाना है, और लगाने के बाद आपको चालू कर देना है। तो ज़्यादा कोई झमेला नहीं है, बस ये HDMI पोर्ट ऑर्डर कर दो आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही चालू होता है आपको बस आपका वाईफाई सेटअप करना पड़ता है। एक बार वाईफाई सेटअप हो जाएगा तो आप फायर टीवी स्टिक चालू कर सकते हो और अपने टीवी पे सारे OTT प्लेटफॉर्म देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी YouTube चालू किया है। PS4 Pro। तो बस इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो फायर टीवी स्टिक का रिमोट है इसका वॉल्यूम बटन जो है ये काम नहीं करेगा जब आप एक एक्सटेंशन केबल लगाते हो HDMI पोर्ट के लिए। तो ये वॉल्यूम आपको आपके टीवी के रिमोट से कंट्रोल करना पड़ेगा, वॉल्यूम इससे काम नहीं करेगा। तो बस इतना याद रखना, अगर ये फायर टीवी स्टिक आपका टीवी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो बस ये HDMI मेल टू फीमेल 2.0 एक्सटेंशन का केबल खरीद लेना है, तो आप अपने टीवी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये केबल का बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप नीचे जाके खरीद सकते हो। और एक बात सारे गेमिंग लवर्स के लिए, तो अगर आपको एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है गेम्स रिलेटेड, तो अगर आपको पता नहीं है कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं उसके लिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दे दूंगा और सारे सस्ते से सस्ते इक्विपमेंट आपको बता दूंगा। तो बस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें अगले वीडियो में। चलो फिर टाटा।